हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अब अधिकारियों को निर्देश देते नजर आ रहे हैं। बहुत गंभीर हो चुके हैं अब जयराम ठाकुर और साफ तौर पर उनका काम अब दिखाई दे रहा है गंभीरता से भी। सड़क निर्माण और रखरखाव में ना हो कोताही, ये उनका कहना था। कोताही बरतने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साफ तौर पर कहते नजर आए। निर्माण कार्य में वैज्ञानिक तरीका अपना कर तेजी लाई जाए, जितनी जल्दी हो उसके काम पूरा किया जाए, निर्माण कार्य वैज्ञानिक तरीके से किया जाए ये भी कहा गया है, ताकि तेज गति से कार्य हो सके, लोगों को कम से कम परेशानी आए, अधिकारी ये सुनिश्चित जरूर करें, ये भी हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत मंडी को बेहतरीन काम के लिए सराहा गया है और आगे उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया। आइए सुनवाते हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्या कहा। उन टारगेट्स के काफी करीब पहुंचे हैं। बरसात लंबी होने के बावजूद भी और उसके साथ साथ में कोविड का इम्पैक्ट होने के बावजूद भी हमारे हर क्षेत्र में, चाहे वो टायरिंग का है, चाहे वो कनेक्टिविटी का है, चाहे वो हमारा रोड की लेंथ को बढ़ाने का काम पूरे प्रदेश में डिपार्टमेंट ने किया है, वो अच्छा किया है। और PMGSY में तो आपको मालूम है कि मंडी जिला पूरे देश भर में पहला जिला है, पहले नंबर पर आए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमने कुछ टारगेट्स तय किए हैं आने वाले समय के लिए, और उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए डिपार्टमेंट को कहा है, और बजट सत्र से पहले हम कोशिश करेंगे, एक बार फिर से रिव्यू करेंगे, और ताकि हम अच्छी तरह से हिमाचल प्रदेश को कनेक्टिविटी दे सकें और उसके साथ साथ में जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट की हैं, तो उन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग्स को, कई जगह कॉलेज के भवन बन रहे हैं, स्कूल के भवन बन रहे हैं, हेल्थ के इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, मिनी सेक्रेटेरिएट बन रहे हैं, उन सारी चीज़ों पर भी रिव्यू किया। तो उसमें हमने प्रायोरिटी कुछ जगह तय की है कि जिन में काम हमारा 70% से ऊपर हो गया है, बजट का फोकस वहां करके, ताकि उसकी कंप्लीशन को हम जल्दी कर सकें। अरुण याल हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। अरुण, क्यों मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को यह कहना पड़ा कि कोताही बरतने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा? और कल भी हमने सुना था, उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है, क्या अब जो लापरवाह अधिकारी हैं उनको कह सकते हैं कि बड़ी चेतावनी दी है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कि जल्द काम करें, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड तो उनको भी पेश करना है ना आने वाले वक्त में? निश्चित तौर पर कमल, उपचुनावों के नतीजे के बाद सरकार अब दोबारा से बोर्ड के भीतर आती दिखाई दे रही है, और आप पहले से जानते हैं कमल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने इससे पहले अधिकारियों की एक बैठक में, आला अधिकारियों की बैठक में भी इस बात को साफ कहा था कि अब कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। लेकिन सड़कों को लेकर तमाम तरह के सवाल, विकास को लेकर, क्योंकि हिमाचल में भाग्य रेखा समझा जाता है सड़कों को, और सड़कों के निर्माण को लेकर आज एक रिव्यू कमेटी की बैठक जो है मुख्यमंत्री ने खास तौर पर लोक निर्माण के अधिकारियों के साथ बुलाई थी, और तमाम तरह के वो पहलू, बरसात के मौसम में आपने देखा होगा कि सड़कों के जहां कटिंग की गई थी वहां पर काफी बड़ी दिक्कत और परेशानी राज्य के लोगों को झेलनी पड़ी थी, उन तमाम मुद्दों को छूते हुए मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों को आदेश दिए कि ना तो वो कोताही बर्दाश्त करेंगे, और खास तौर पर 4 लेन के ये जो काम है, चाहे वो नेशनल हाईवे से जुड़े हैं, उसमें राज्य सरकार को या राज्य के अधिकारियों को किस तरीके की चीज देनी है, कोई अगर कोई दिक्कत है तो वो मुख्यमंत्री या सरकार के ध्यान में लाया जाए, लेकिन वहां कोताही नहीं बरतनी होगी। और खास तौर पर ये जो 4 लेन के शिमला कुल्लू मनाली और ये वाले हाईवे है, इनमें क्योंकि पर्यटन का एक सीधा सा रिश्ता है हिमाचल प्रदेश के अंदर, एक बहुत बड़ा रिश्ता इन सड़कों के जाल के साथ यहाँ के पर्यटन का, बागवानी का, इन तमाम चीजों का है, तो मुख्यमंत्री ने एक सीधा संदेश यहाँ अधिकारियों को दिया है कि अब आने वाले वक्त के भीतर सड़कों के निर्माण में इसके साइंटिफिक जो ध्यान में रखकर इसके निर्माण की गतिविधियों को करना है उसका भी ख्याल रखा जाए, और जो कोताही करते हुए अधिकारी बात करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि यह आम आदमी के सड़क जो है वो उनके साथ भाग्य रेखा के रूप में। बहुत बहुत शुक्रिया आपने जानकारी दी और बताया कि क्यों मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस तरह का बयान दिया है, और अब कतई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, ये संकेत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दे चुके हैं।